मौका खास है तो तैयारी आम क्यों रहे। G20 के मेहमानों के लिए मेजबान होटलों में स्पेशल मेन्यू तैयार किया गया है। खास बात यह है कि सभी के मेन्यू में मिलेट की खिचड़ी, रागी खीर, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, रबड़ी और हलवा जरूर रहेंगे। लेकिन ये मोटे अनाज यानी मिलेट्स हमारे मेहमानों को खास तौर पर क्यों सर्व किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। दरअसल मिलेट सुपर फूड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आखिर ये सुपर फूड होते क्या हैं? ऐसा क्या खास है इनमें कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स को ये अपने मुरीद बना चुके हैं। सुपर फूड यानी ऐसा फूड आइटम जिसमें न्यूट्रिशन बाकी फूड आइटम के मुकाबले ज़्यादा होता है। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी जैसे 8 अनाज आते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा प्रोड्यूसर है। देश में हर साल करीब 1.4 करोड़ टन बाजरे की पैदावार होती है, जिसमें से 85% सिर्फ राजस्थान में ही होता है। दरअसल बाजरे की पैदावार के लिए राजस्थान का सूखा मौसम और रेतीली ज़मीन परफेक्ट है। साथ ही इसकी पैदावार में पानी भी कम लगता है। इसे ऐसे समझिए, गन्ने के एक पौधे को अपने पूरे लाइफ साइकिल में 2100 मिलीलीटर पानी लगता है, वहीं बाजरा के एक पौधे को सिर्फ 350 मिलीलीटर पानी। बाजरे के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एक कप बाजरे में 207 कैलोरीज, 6 ग्राम प्रोटीन, 41 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री और प्रोटीन से भरपूर है। यही वजह है कि प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन और सोनम कपूर जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपनी डाइट में इसे शामिल किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात में इसका जिक्र कर चुके हैं। खास बात यह है कि भारत के प्रपोजल को मानते हुए UN ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ऐसे में G20 के मेहमानों को सेहत से भरपूर मिलेट्स परोसकर भारत पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर रहा है।